बिसमीम अल्लकम जी बच्चों अच्छा भाई आज करेंगे टू पॉइंट नाइन एक्सरसाइज और इसमें जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो बेसिकली डिवेटिव का जो इस्तेमाल है वो आएगा उसके अंदर इसमें चीज़ें आती हैं कि कोई फंक्शन किस पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम है या मिनिमम है इनक्रीजिंग हो रहा है या डिक्रीजिंग हो रहा है वो हमने थोड़ा सा इसमें आइडिया देना है आसान है अगेन मुश्किल नहीं है थोड़ा सा ज़रा इसकी थ्योरी आपको समझनी पड़ेगी देखें जब कोई भी फंक्शन हम ग्राफ करते हैं ना ग्राफ करने का मतलब क्या होता है कि उस फंक्शन को आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना के ना तो उसको ऐसे उसकी तस्वीर बनाते हैं ठीक है कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के अंदर जो जौन सा मर्जी आप वो फंक्शन दे दें तो उसने आपको उसकी फिगर बना देनी है कि इसकी शक्ल इस तरह की है हमें रूटीन में ये देखना होता है कि हमारा अगर लीनियर फंक्शन हो ना जिसमें एक्स वाई की पावर वन होती है ज़्यादा से ज़्यादा उसको जब ग्राफ करते ना तो बिल्कुल एक सीधी लाइन ऐसे इस तरह से ये सीधी लाइनों में आता है वो लेकिन अगर हमारे पास वो क्वाड्रेटिक फंक्शन हो या उससे ज़्यादा वाला हो दो पावर तीन पावर चार तो उसकी जो शेप है ना वो सीधी नहीं रहती वो कर्व की शक्ल एख्तियार कर लेती है मसलन वो कुछ इस तरह से हो सकती है ऐसे जाए और फिर नीचे को आए ठीक है और फंक्शन ऐसे भी होते हैं कि वो एक दफ़ा नहीं वो बार बार ऐसे जिग जैग हो रहे होते हैं ऐसे भी हो सकते हैं डिफरेंट शक्लें ठीक है अब हमें क्या करना होता है हमें यहाँ इन सवालों में ये चेक करना है कि हमारा फंक्शन जो है ना ये जो हाईएस्ट पॉइंट है या लोएस्ट पॉइंट है वो पॉइंट हमें फाइंड करने होते हैं और इन्हीं पॉइंट को हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट इनके एक्सट्रीम पॉइंट्स ठीक है एक्सट्रीम कह लें क्रिटिकल कह लें या स्टेशनरी पॉइंट भी कहते हैं ठीक है अब वो पॉइंट फाइंड करना और फिर बताना कि जी उससे पहले फंक्शन कैसे बिहेव कर रहा था और उसके बाद कैसे बिहेव कर रहा था वो सारी चीज़ें बतानी होती हैं ये मैंने थोड़ा सा बनाया है इधर देखें पहले जो एक केस है ना वो ये है कि आपने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन बताने हैं अब देखें ये मैंने उसका एक छोटा सा ग्राफ बनाया हुआ है अगर हमारे पास कोई से दो पॉइंट्स हो ना x1 x2 ठीक है मसन जी पाँच से ले कर दस तक पाँच से ले कर पंद्रह तक तो ये एक वक्फा या इंटरवल कहते हैं उसको कि ये इंटरवल अगर हो तो इस इंटरवल में हमारा फंक्शन जो है वो कैसे बिहेव कर रहा है किस तरह की शक्ल है उसकी आगे जाके जो मर्जी हो जाए लेकिन इतने इंटरवल के अंदर वो क्या बिहेव कर रहा है क्या शो कराता है तो अगर एक केस तो जाहिर है ये हो सकता है कि एक्स वन से लेके एक्स टू तक वो ऐसे ऊपर को जा रहा है यानी अगर x1 छोटा है तो उसके सामने फंक्शन भी लोअर है छोटा है और x2 अगर उससे जाहिर है बड़ी वैल्यू है आगे वाली वैल्यू है तो फंक्शन भी उससे बढ़ गया ज़्यादा हो गया तो फिर हम इसको कहते हैं ये इंक्रीजिंग फंक्शन है ठीक है x1 छोटा था तो फंक्शन की वैल्यू भी थोड़ी x2 टू बड़ा होगा तो फंक्शन की वैल्यू भी बड़ी हो गई है तो फिर हम कहते हैं ये इंक्रीजिंग फंक्शन इसको हम शो कराते हैं और इसी तरह उसी के उल्ट हो सकता है कि x1 तो छोटा है लेकिन उसके अगेंस्ट फंक्शन बड़ा नजर आ रहा है ठीक है उसकी वैल्यू ज्यादा है और x2 बड़ी वैल्यू है लेकिन उसका फंक्शन छोटा है ठीक है तो फिर हम इसको क्या कहते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन एक तो ये ग्राफिकली हम उसको बता सकते हैं दूसरा मैंने वही बताया आपको कि हमें वो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने होते हैं मसलन जैसे मैंने अभी कहा कि जी वो जो डायग्राम है उसकी शक्ल जो है वो ऐसे जिग जैग की फॉर्म में भी हो सकती है तो ये जो उसका ये जो अप्स एंड डाउनस हमें मिल रहे होते हैं ना ये वाला पॉइंट ये वाला ये वाला ये उसके एक्सट्रीम पॉइंट होते हैं जाहिर एक्सट्रीम है या तो वो हाइस्ट पॉइंट होता है या लोएस्ट पॉइंट होता है इसीलिए तो इसको एक्सट्रीम कहते हैं इंतहाई तो हदूद और इनको स्टेशनरी क्यों कहते हैं स्टेशनरी इसलिए कहते हैं कि देखें पहले फंक्शन इंक्रीज हो रहा है है ना ऊपर को जा रहा है और उस पॉइंट के बाद वो डिक्रीजिंग की तरफ जाता है तो क्या होता है कि उस पॉइंट पे थोड़ी देर के लिए फंक्शन ना कांस्टेंट हो जाता है कांस्टेंट स्टेशनरी हो जाता है क्योंकि वहां से उसने अपनी डायरेक्शन चेंज करनी है और किसी एक लम्हे पे जाके वो कांस्टेंट हो जाता है तो उस कांस्टेंट के लिए फिर हम वो स्टेशनरी का वर्ड यूज करते हैं और उसकी प्रॉपर्टी भी हम यूज करते हैं क्योंकि कॉन्स्टेंट का डेरीवेटिव क्या होता है डेरीवेटिव को आप यहां लेके आएंगे कॉन्स्टेंट का डेरीवेटिव जीरो होता है कोई भी फंक्शन है y इज़ इक्वल टू सेवन है कॉन्स्टेंट हुआ ना तो इसका जो डेरिवेटिव है वो क्या आता है जीरो आता है तो हम क्या करेंगे कि जब भी हमें एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड करनी होगी ना स्टेशनरी वैल्यू एक्सट्रीम वैल्यू तो हमारे पास जो भी फंक्शन हुआ करेगा हमने उसका डेरिवेटिव ज़ीरो रख लेना है डेरिवेटिव फ़ाइंड किया उसको जीरो के इक्वल रखा और वहां से जो एक्स की वैल्यू निकलेगी वो हमारी एक्सट्रीम वैल्यू मिल जाएगी हमें बड़े आराम से एक काम तो इतना हमने हर सवाल में करना है और दूसरा फिर ये होता है कि हमने उस पॉइंट पे फिर चेक करना होता है कि क्या उस पॉइंट से पहले या बाद में फंक्शन कैसे बिहेव कर रहा है इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है उसके फिर आगे टेस्ट हैं फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव तो वो वो भी ज़्यादा एक दफ़ा देख लें कि उसमें क्या होता है ये मैंने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लिखा हुआ है कि अगर आप दूसरे डेरिवेटिव पे नहीं जाते सिर्फ हाल ही पहला डरीवेटिव लेते हैं तो वहाँ से कैसे पता चलता है तो ये देखें पहला काम तो वही है एफ डैश एक्स यानी कि पहला डेरिवेटिव जो है उसको जीरो रखेंगे वहाँ से एक्स की वैल्यू ले लेंगे फिर क्या करना है कि हमारा वो जो फर्स्ट डेरिवेटिव है ना एफ डैश एक्स वो क्या करे कि अपना चेंज करे अपना साइन फ्रॉम पॉजिटिव से नेगेटिव ठीक है पहले प्लस हो बाद में माइनस हो जाए कोई से दो पॉइंट लेके हम उस पर चेक कर लें उस इंटरवल के अंदर कि क्या रहा है तो अगर वो अपना साइन चेंज करता है फ्रॉम प्लस से नेगेटिव तो फिर हम कहते हैं कि उस पॉइंट के ऊपर जो फंक्शन था ना वो मैक्सिमम था अभी मैं थोड़ा सा आइडिया फिर आपको दे दूं ये उसका मैक्सिमम पॉइंट है हाइट है ना पहाड़ की ऊंचाई है तो ये मैक्सिमम पॉइंट है क्यों क्योंकि देखें उससे पीछे फंक्शन क्या है इंक्रीजिंग है बढ़ रहा है ऊपर की तरफ जा रहा है उसके बाद क्या हो रहा है फंक्शन नीचे को आ रहा है डिक्रीज़ कर रहा है तो इधर से पॉजिटिव साइन और इधर से नेगेटिव साइन तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा तो फिर हम इसको कहते हैं कि ये फंक्शन जो है ये क्या है मैक्सिमम वाला फंक्शन है और इसी तरह मिनिमम क्या केस है कि उससे पीछे जो है वो नेगेटिव केस है नीचे को आ रही है चीज़ और उसके बाद ऊपर को जा रही है तो वो पॉजिटिव केस है तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ अगर चेंज हो रहा है तो फिर वो मिनिमम का केस होता है ठीक हो गया एक और चीज़ क्योंकि थोड़ी सी इसमें थ्योरी है ठीक है ये सारा समझ लें आगे जब सवाल भी करेंगे ना तो और बेहतर समझ आएगी एक और इसमें चीज़ क्या है वो ये कि देखें इसमें बाज का जब फंक्शन ड्राइव करते हैं ना तो फंक्शन के अंदर बहुत सारे अप्स एंड बहुत सारे डाउन्स भी आ सकते हैं तो फिर हम अब जाहिर है इसमें ये भी आप है वाला केस ये भी मैक्सिमम वाला केस है ये भी मैक्सिमम और भी आ सकते हैं तो हम फिर फॉर एक्ज़ाम्पल हमने ये फाइंड किया इसके नीचे ज़ाहिर एक्स होता है ना एक्स की वैल्यू होगी कोई एक्स की वैल्यू लेट्स सपोज पाँच है यहाँ पे एक्स की वैल्यू जो है लेट सपोज है वो पंद्रह है तो x की वैल्यू 5 के ऊपर वो मैक्सिमम तो है फंक्शन लेकिन हम इसको कहते हैं रिलेटिव मैक्सिमम रिलेटिव इसलिए कि उसके तरह का एक और भी है वो वो भी मैक्सिमम है चाहे उसे काम ज़्यादा होगा लेकिन होगा वो भी मैक्सिमम हाइट या वो भी इसी तरह जो मिनिमम है वो भी और भी हो सकते हैं तो हम इसलिए इनके लिए सात वर्ड यूज़ करते हैं रेलेटिव कि जी कंपैरिजन के हिसाब से ये भी हमारा एक मैक्सिमम वैल्यू बनती है और भी हो सकती हैं तो इसलिए जब भी मैक्सिमम मिनिमम कहना है हमने ये रेलेटिव का वर्ड भी यूज़ करना है ठीक है तो उस साथ वाले के लिहाज से रेलेटिव का उर्दू मीनिंग ये बनता है और सबसे आसान जो तरीका है ना मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करने का वो सेकेंड डेरीवेटिव टेस्ट है ये बड़ा आसान है हमने क्या करना होता है पहला काम वही है फर्स्ट डेजिवेटिव लें जीरो के बराबर रखें और एक्स की वैल्यू निकाल लें फिर हमें क्या करना है उसका एक और सेकेंड डेरिवेटिव लेना होता है और सेकंड डेरिवेटिव का साइन बस चेक करते हैं कि भाई उसका साइन क्या आ रहा है उस पॉइंट के ऊपर मसलन अगर वो उसका सेकेंड डेरिवेटिव का साइन आ गया ना नेगेटिव जीरो से छोटा आ गया नेगेटिव हुआ ना तो नेगेटिव आने का मतलब होगा कि फंक्शन मैक्सिमम है अब यहां ये चीज याद रखनी है नेगेटिव आएगा आंसर तो फिर फंक्शन मैक्सिमम और अगर सेकंड डेरिवेटिव का आंसर पॉजिटिव आता है तो फंक्शन मिनिमम होता है यहां समझ ले उल्टा केस है माइनस पे मैक्सिमम है पॉजिटिव पे मिनिमम है तो ये चीजें हमें याद रखनी है अब एक्सरसाइज कर लेते हैं अब ये देखें पहला सवाल एक्सरसाइज टू पॉइंट नाइन का क्वेश्चन देखें उसने क्या पूछा हुआ है डिटरमाइन द इंटरवल कहता है वो इंटरवल फाइंड करें वक्फा ठीक है ना इंटरवल दो वैल्यूज होती है ना उनके दरम्यान इंटरवल इन विच एफ इज इंक्रीजिंग आर डिक्रीजिंग फॉर द डोमेन मेंशन ये डोमेन भी उसने बता दी है मुश्किल नहीं है शुरू में देखने में लगता है पता नहीं क्या चीज़ है कुछ भी नहीं है बड़ा इजी है समझ आएगी आपको ये उसने दो वैल्यूज दी हुई है माइनस पाई और पाई कहता है इसके दरमियान रहना है पाई जाहिर इसलिए दी है कि साइन कॉज टैन आता है ठीक है ना एंगल्स वगैरह इसमें यूज़ होने होते हैं तो फंक्शन हमारा है साइन ऑफ एक्स ओके तो पहला काम क्या है पहला डेरिवेटिव ले लेंगे एफ डैश एक्स तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉज पीछे डेरिवेटिव हम बढ़ते आए हैं अब मैंने क्या बताया था कि फर्स्ट डेरिवेटिव को हमेशा ज़ीरो के इक्वल रखना है हर सवाल में ये होना है और कुछ हमें आता हो ना आता हो ये तो हमें रटा हो जाता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव को ज़ीरो रखें जितने नंबर ले सकता है बंदा वो तो लेना तो फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो रख लिया तो फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू क्या है कॉज ऑफ एक्स तो कॉज ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो अब यहां से क्या होगा एक्स के लिए इसे हल करेंगे क्योंकि एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है तो कॉज उठ के उधर आएगा कॉज इनवर्स जीरो अब हमें यह देखना है कि जो कॉज की जो जीरो वैल्यू है वो किस एंगल पे होती है ठीक है ना कॉज नाइन्टी डिग्री जो होता है ना वो जीरो होता है कैलकुलेटर पकड़ लें उस पर आप करके देखें नब्बे डिग्री पे काज काज नाइन्टी डिग्री करे आंसर जीरो आएगा और काज माइनस नाइन्टी करे वो भी जीरो आएगा ठीक है ना तो फिर ये दो वैल्यूज हमें मिलेंगी पाई बाई टू एंड माइनस पाई बाई टू ठीक है पॉजिटिव नब्बे डिग्री और माइनस नब्बे डिग्री ये नब्बे डिग्री होता है ना वो दोनों और लेकिन नब्बे डिग्री लिखना नहीं है पाई की शक्ल में लिखना है क्योंकि उसने ऊपर भी पाई कहा हुआ तो ये वैल्यूज आ गई अब देखें ज़रा कि हमारी ये जो रेंज है उसने क्या कहा था अब मैं यहीं पे करूंगा जगह थोड़ी है कि माइनस पाई से लेके पाई तक आपके पास एक बड़ा इंटरवल है तो जाहिर है कि ये दोनों उसके अंदर आती हैं पाई होता है ना एक 180 डिग्री ये समझे एक 180 डिग्री है वो भी एक 180 है ये माइनस का है वो प्लस का है तो 180 से पीछे जाएं माइनस एक 180 से पीछे जाएं तो माइनस नब्बे डिग्री भी तो आएगा यानी माइनस पाई बाई टू इधर आएगा और उसके बाद ज़ीरो भी आता है जीरो लेकिन हमारे पास नंबर नहीं है ठीक है ना और उसके बाद क्या आता है पॉजिटिव साइड पे चले गए जमा वाली साइड पे तो फिर पाई बाई टू यानी कि जमा का नब्बे आएगा फिर एक सौ अस्सी आएगा तो जो जमा का नब्बे है वो पाई बाई टू होगा तो ऐसे ये रेंज बनेगी माइनस पाई फिर उसके बाद माइनस पाई बाई टू फिर पाई बाई टू और फिर पाई तो इस तरह से हमारे पास अब ये कितने बन गए इंटरवल एक, एक ये बन गया एक ये बन गया एक ये बन गया तीन बन गए यही सवाल थोड़ा सा है बाकी कुछ नहीं है काम तो ये तीन इंटरवल बन गए हैं अब ये तीन इंटरवल्स पे हमने चेक करना है ये देखे मैंने लिखा है वी गेट द थ्री सब इंटरवल्स एक तो बड़ा इंटरवल उसने दिया हुआ था ना तो एक माइनस पाई से माइनस पाई बाई टू पाई ऐसे जुबानी शायद ना जिन में सही लगे समझ आए नब्बे नब्बे को याद रखें पाई जो है वन एटी डिग्री होता है तो मनफी एक सौ अस्सी से मनफी नबे मनफी नब्बे से प्लस नबे और प्लस नब्बे से लेके कर एक सौ अस्सी तक तो ये तीन इंटरवल हैं इन तीनों पे अब हम चेक करेंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या है मैक्सिमम है या मिनिमम है क्या चक्कर है तो पहला इंटरवल देखें फॉर माइनस पाई एंड माइनस पाई बाई टू तो फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आई हुई है कॉज ऑफ एक्स अब आपने क्या करना है इन दोनों के दरमियान कोई वैल्यू ले के चेक करना है अब अगेन पाई पाईशाई को छोड़ दें अस्सी एक सौ अस्सी और नब्बे को याद रखें माइनस एक सौ अस्सी है ना आप कैलकुलेटर पकड़ें माइनस अस्सी से नीचे आ जाए माइनस एक सौ सत्तर आ जाए माइनस एक पे आ जाए क्योंकि इंटरवल क्या है माइनस एक से ले कर माइनस नब्बे इन दोनों के दरमियान देखना माइनस सौ ले लें क्योंकि इनके बीच में रहना है तो कोई भी वैल्यू जब आप यहाँ एक्स की जगह लगाएंगे माइनस के साथ ले के तो उसका आंसर नेगेटिव में आएगा आप करके देखिएगा माइनस में आता है मैंने करके देखा है खुद भी मैंने चेक किया ठीक है आंसर माइनस में आएगा तो ये आंसर लेस देन जीरो आ रहा है तो जब आंसर लेस देन जीरो आता है तो हम कहते हैं कि फंक्शन क्या है डिक्रीजिंग है नेगेटिव आंसर आएगा फंक्शन इज डिक्रीजिंग जो मैंने पीछे आपको बताया आगे चलें दूसरा जो हमारा इंटरवल है यानी माइनस नब्बे डिग्री से प्लस नब्बे डिग्री अब इसके अंदर जीरो भी आता है माइनस का चालीस डिग्री प्लस का चालीस डिग्री पचास डिग्री क्योंकि नब्बे तक रहना है तो कोई भी वैल्यू लगा के देखें अगेन तो फिर अब अब आंसर क्या आना है ग्रेटर देन जीरो आप ये खुद चेक करें ठीक है पॉजिटिव आएगा आंसर प्लस में आएगा तो प्लस में आएगा तो फिर हम कहेंगे फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन दैट इंटरवल कि इस इंटरवल के अंदर फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग आ रहा है और फिर तीसरे वाला जो है उसको भी आप चेक करेंगे वहाँ पे भी वो लेस देन ज़ीरो आएगा तो आप कहेंगे कि यहाँ फिर फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग हो गया देखे ना फंक्शन अप्स एंड डाउनस बन रही हैं एक दफ़ा अप जा रहा है फिर डाउन आ रहा है फिर अप जा रहा है इंक्रीजिंग हो रहा है अप ऊपर जाने का मतलब इंक्रीजिंग होता है नीचे को फंक्शन आता है तो डिक्रीजिंग फिर ऊपर तो ये जिक जैग ही बन रहा है ना यहाँ पे भी और ये साइन काज की प्रॉपर्टी है कि साइन काज को जब भी ग्राफ करेंगे ना तो वो वेव्स की शक्ल में बनता है अप्स एंड डाउन बनती हैं ये अंडरस्टूड बात है सेकेंड पार्ट पे आ जाए अब जब ये समझ लिए ना पिछला अब आगे कुछ भी नहीं होगा क्योंकि सारा आसान हो जाएगा फंक्शन है कॉज ऑफ एक्स और उसकी जो लिमिट्स उसने दी हुई हैं माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू यानी माइनस नब्बे डिग्री से प्लस नब्बे डिग्री ओके फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे कॉज का डेरिवेटिव माइनस साइन आता है डेरिवेटिव को जीरो रखना है मतलब कि माइनस साइन ऑफ एक्स को जीरो रखना है और माइनस उधर जाके ज़ीरो के साथ खत्म हो गया और साइन का भी इनवर्स जीरो का इनवर्स करेंगे साइन इनवर्स तो वो जीरो ही आता है ठीक है ना जीरो डिग्री के ऊपर साइन जीरो जीरो ही होता है तो आंसर ज़ीरो आ गया अब जब ज़ीरो आ गया है तो देखना वो हमारा था माइनस नब्बे से प्लस नबे तो जीरो उनके बीच में ही आता है कहीं तो फिर यहाँ दो इंटरवल बन जाएंगे एक माइनस नब्बे से ज़ीरो और एक ज़ीरो से नबे तो ये देखें हमने दो इंटरवल्स लिख लिए माइनस फाइव बाई टू से ज़ीरो एंड ज़ीरो से फाइव बाई टू अब इन दोनों इंटरवल को बिल्कुल उसी तरह हम चेक कर लेंगे देखें स्टेप्स बनाएंगे लिखेंगे जी इस इंटरवल के लिए हम जाने लगे हैं तो फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू लिखें अब वही बात है माइनस नब्बे से पीछे रहना है और ज़ीरो से आगे तो माइनस नब्बे से पीछे फिर वही माइनस अस्सी लिख लें माइनस सत्तर लिख लें वो आप यहाँ लगा के चेक करें तो आंसर इसका पॉजिटिव आएगा क्योंकि अंदर से माइनस आंसर आएगा ना तो बाहर भी माइनस है तो प्लस में हो जाएगा आंसर तो फिर जब प्लस में आंसर है ग्रेटर देन जीरो है तो ये इंक्रीजिंग होगा फंक्शन उसी तरह जैसे पहले सवाल में किया इसको भी चेक करेंगे अब तो यहाँ पे ज़ाहिर कोई पॉजिटिव वैल्यू लेनी है प्लस का चालीस प्लस का पचास तो वो आप लगाएंगे तो चूंकि बाहर माइनस है तो अल्टीमेट माइनस आना आंसर आना है तो फंक्शन इज़ डिक्रीजिंग ये काम हो गया साइन काज हो गया अब आगे और आसान हो जाएगा क्योंकि अब साइन काज नहीं है उसके अलावा फंक्शन है और ज़्यादा इजी हो जाते हैं फंक्शन है फोर माइनस एक्स केयर और वैल्यूज़ क्या दी हैं माइनस दो से जमा का दो ओके बड़ा इंटरवल है ये तो एफ़ डैश एक्स जाहिर है पावर रखेगा ये तो ज़ीरो हो गया ना माइनस टू एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो रखना है माइनस टू एक्स को जीरो के इक्वल तो अल्टीमेट जाहिर है एक्स जो है वो जीरो आएगा तो अब ज़ीरो आ गया तो फिर उसी तरह कि जी ये था माइनस दो से लेके कर दो तक तो जीरो बीच में ही आता है इनके तो फिर ये दो इंटरवल्स बन जाएंगे माइनस दो से ज़ीरो और जीरो से दो तो ये हम लिख लेंगे कि लो भाई हमारे दो इंटरवल्स आ गए अब दोनों पे बारी बारी चेक कर लेते हैं अब यहाँ पे ये फर्स्ट इंटरवल है ना अब देखें यहाँ बेहतर समझ आएगी आपको कि माइनस दो से ज़ीरो के बीच में अब इनके बीच में क्या नंबर हो सकता है मनफी एक मनफी एक को लगा लें तो ये देखें यहाँ x की जगह माइनस एक लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जमा का दो देखें पॉजिटिव मैंने लिखा है तो पॉजिटिव आने का मतलब वही हो गया ना ग्रेटर देन जीरो तो फिर फंक्शन क्या है इंक्रीजिंग पॉजिटिव आएगा फंक्शन इंक्रीजिंग नेगेटिव आएगा फंक्शन डिक्रीजिंग दूसरे के अंदर डिक्रीजिंग आ जाना है जीरो से टू के दरमियान तो ये आप करके देखें ओके है। ये हो गया फोर वाले पे आ जाते हैं अब देखें ना ये कैसा इजी था ये वाला पार्ट क्योंकि इसमें साइन कॉज भी नहीं था इस वाले पे आ जाए ये भी वैसे ही है फ ये हमारा फंक्शन बन गया फर्स्ट डेरिवेटिव लिया टू पावर पीछे टू एक्स एक्स का वन हो गया थ्री टू एक्स प्लस थ्री फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो टू एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो तो एक्स की वैल्यू प्लस थ्री जाएगी उधर माइनस थ्री हो गई और टू ने जाके डिवाइड करना है माइनस थ्री ओवर टू नंबर मिल गया हमें अब ये कैलकुलेटर पर अगर आप करके देखें ना तो ये बनती है वन पॉइंट फाइव ठीक है जिसको आप थ्री को डिवाइड कराएं टू से तो माइनस ए अब ये देखें क्या वैल्यू है माइनस चार से लेके एक तक तो माइनस एक अशारिया पाँच जो है वो इधर कहीं आएगी दरमियान में तो यहाँ से भी हमारे पास ये दो केसेस बन जाएंगे कि माइनस फोर से माइनस थ्री ओवर टू एंड माइनस थ्री ओवर टू से वन तो ये हमारे दो इंटरवल्स बन गए और इनको फिर चेक कर लेते हैं कोई मसला ही नहीं है ठीक है दो इंटरवल्स इसको चेक करेंगे अब इसके बीच में माइनस चार से पीछे क्या होगा माइनस तीन माइनस तीन लगा के देखें इसमें तो डेफिनेटली नेगेटिव आएगा क्योंकि दो तीन बार छः माइनस का छः और जमा तीन करेंगे तो माइनस तीन आंसर तो नेगेटिव आया ना तो इस तरह से करके और इस तरह इसका भी आप इधर से बटे वाले से समझ नहीं ना आती तो आप वन से समझ लें वन से पीछे क्या होगा जीरो तो जीरो लगा कर चेक कर लें पॉजिटिव आंसर आएगा तो इंक्रीजिंग हो जाएगा तो ये है हमारा पहला सवाल क्वेश्चन नंबर टू यहाँ से भी वही करना है लेकिन अब यहाँ सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट को यूज़ कर लेंगे वो ज़्यादा आसान हो जाता है फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यूज फिर वही एक्सट्रीम वैल्यूज यानी एक्स की वैल्यूज फाइंड करनी है ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एज अब फंक्शन ये दिया हुआ है फंक्शन दिया हुआ पहला काम वही है फर्स्ट डेरिवेटिव लें ज़ाहिर है थ्री पीछे आया थ्री में से एक माइनस माइनस थ्री एक्स केयर वन तो जीरो हो गया ना एफ़ डैश एक्स इक्वल टू जीरो फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो रखेंगे फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज उसके लिए तो जब उसको जीरो रखा तो हमारा ये जो वैल्यू आई हुई है माइनस थ्री एक्स के इक्वल टू जीरो माइनस थ्री भी ज़ीरो हो जाएगा और अंडर उड़ लें फिर भी जीरो तो जीरो बेचारा हर चीज़ को जीरो कर देता है तो एक्स की वैल्यू जीरो आ गई ए की वैल्यू हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यू ए की है और कोई नहीं आई तो ज़ाहिर अब ये हमें पता है कि ये एक्सट्रीम वैल्यू है लेकिन अब ये नहीं पता कि इस ऊपर पॉइंट बन रहा है या लोएस्ट बन रहा है मैक्सिमम बनेगा या मिनिमम बनेगा तो वो हमें कौन बताएगा सेकेंड डेरिवेटिव तो आपने ये जो डेरिवेटिव लिया ना आंसर माइनस थ्री एक्स के और ये फर्स्ट डेरिवेटिव आया ना तो इसका एक और डेरिवेटिव लेंगे तो पावर और पीछे आएगी थ्री टू जर सिक्स सिक्स एक्स हो जाएगा तो ये देखें सेकेंड डेरिवेटिव मैंने माइनस सिक्स एक्स लिख दिया अब ये ऐसे वैसे नज़र तो आ रहा है कि माइनस साइन है लेकिन एक्स की वैल्यू लगा के चेक करना है बाद ओके अगर एक्स की वैल्यू माइनस हो वो तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा उल्टा काम हो जाता है तो जब तक एक्स की वैल्यू लगाएं ना पता नहीं चलता कि साइन क्या बनेगा पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा तो एक्स की वैल्यू क्या है जीरो अब ज़ीरो पुट करेंगे तो प्रॉब्लम हो गई अब ज़ीरो पुट कर रहे थे तो सारा ज़ीरो हो गया और आपको पता है कि ज़ीरो का कोई साइन नहीं होता ना प्लस में ना माइनस में ज़ीरो होता क्या है नथिंग कुछ भी नहीं तो कुछ भी नहीं जो है वो प्लस माइनस की तो लॉजिक ही नहीं बनती उसकी तो वो जीरो आ गया अब ये एक स्पेशल केस है कि जब सेकंड डेरिवेटिव जीरो आ जाए और बेचारा हमें बता ही ना पाए कि भाई पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया तो उसके लिए फिर एक स्पेशल केस है उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कि वो जो एक्स वैल्यू ज़ीरो आई है ना तो वो कोई ना मैक्सिमम की वैल्यू है ना मिनिमम की वैल्यू है वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है ये मैं हल्का सा आपको बता देता हूँ आपकी ज़रा थ्योरी भी स्ट्रांग हो ना होता क्या है वो मैक्सिमम मिनिमम तो मैंने कहा था ना ऐसे ऐसे जिग जैग्स होती हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में ये होता है कि वो ऐसे पहले भी इंक्रीजिंग है लेकिन यहाँ पे हल्का सा टच दे के ना तो फिर उसने वापस इंक्रीजिंग पे चले जाना है <laughs> यानी उसने ये नहीं करना कि हाँ मैं इस वो धोखा देता है हमें एक किस्म का इसमें तो ये होता है ना कि पहले इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग हाइट पर पहुँच गए फिर नीचे की तरफ आ गया तो पहले पॉजिटिव था फिर नेगेटिव हो गया तो यहां पे वो क्या करता है थोड़ी देर रेस्ट करता है फिर वापस अपने इंक्रीजिंग की तरफ ही जाता है <laughs> तो इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कि जहां वो हमें समझ नहीं आने देता हम समझ रहे होते हैं कि अब नीचे को आगा फिर ऊपर को ही जल पड़ता है तो ऐसे फंक्शन होते हैं तो ये फिर हम कहेंगे कि वी कैन नॉट डिटरमाइन द साइन ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव सो एक्स इज इक्वल टू जीरो जो है इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन सही है जी और अगर उस फंक्शन की वैल्यू भी चाहिए हमें ठीक है ना कि उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू कितनी है तो वो पॉइंट हम फिर फंक्शन में पुट करा लिया करेंगे हर सवाल में शायद करना पड़ेगा हमें तो हम ये जो फंक्शन है ना ओरिजिनल उसमें एक्स की जगह आप जीरो पुट कराएं तो फंक्शन का आंसर वन आ जाना तो हम फंक्शन की वैल्यू भी उसको दे सकते हैं सेकेंड पार्ट एफ एफ एक्स इज इक्वल टू दिस वन डेरिवेटिव लिया ये आ गया जीरो के बराबर रखा टू एक्स माइनस वन माइनस वन उधर गया प्लस वन और टू ने उसको डिवाइड किया एक्स की वैल्यू आ गई वन ओवर टू जीरो पॉइंट फाइव जो भी होती है अब हमने क्या करना है सेकेंड डेरिवेटिव लेना है फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आया था हमारा टू एक्स माइनस वन तो फिर इसका इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा एक्स वन हो जाता है ना तो टू आएगा आंसर तो सेकेंड डेरिवेटिव हमारा क्या आ रहा है टू आ रहा है और ये सेकेंड डेरिवेटिव में चूंकि एक्स कोई आया नहीं है तो हम एक्स की वैल्यू नहीं लगाएंगे हमें डायरेक्ट ही नज़र आ रहा है कि अब सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है कि नेगेटिव है प्लस में आ, आ, आंसर आ रहा है तो जो पॉजिटिव है तो हम लिखेंगे कि एफ डबल डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन जीरो है पॉजिटिव है दस द फंक्शन इज रेलेटिव मिनिमम देखें मिनिमम तो कहना है उसे लेकिन रेलेटिव का वर्ड हर दफा डालना बीच में क्योंकि उसमें उसके अलावा भी हो सकते हैं मैंने शुरू में बताया लेकिन क्या चीज याद रखनी है कि सेकेंड डेरेवेटिव प्लस आए तो मिनिमम लिखना है इसको रट्टा मार लें और माइनस आए तो मैक्सिमम लिखना है ठीक है ये याद होना चाहिए तो ये लिख देंगे यहां तक आंसर है लेकिन अगेन अगर हमें फंक्शन चाहिए तो ये जो एक्स की वैल्यू है ओरिजिनल सवाल के अंदर पुट करा के आप उसका आंसर ले सकते हैं और ये जो इस तरह का काम है अगेन कोई एल्शियम्स लेने की ज़रूरत नहीं है अगर कैलकुलेटर थोड़ा बेहतर है तो उसमें आप ये सारा लिख सकते हैं इस, हर तरह की चीज़ लिखी जा सकती है वो मैं आगे एक सवाल है उसमें मैं आपको करके दिखाता हूँ बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ अभी बंदा लिख सकता है इसके अंदर कैलकुलेटर में और वो आंसर आपको दे देता है थर्ड पार्ट देखते हैं एफ एफ एक्स इज इक्वल टू दिस वन अगेन फर्स्ट डेरिवेटिव ले रहे हैं टू फाइव जर टेन टेन एक्स सिक्स एक्स का तो वन हो जाएगा माइनस सिक्स इसको जीरो के इक्वल रखना है टेन एक्स माइनस सिक्स ये बच्चों वाला काम है माइनस सिक्स उधर गया प्लस का टेन ने डिवाइड करना है टू से डिवाइड कराएं कटवाएं इसका टू थ्री जै टू फाइव तो पॉइंट मिल गया थ्री ओवर फाइव सेकेंड डेरीवेटिव लें सेकेंड भी डायरेक्ट हमें मिल जाएगा एक्स का वन हो जाएगा टेन आ जाएगा आंसर और इसमें भी एक्स की वैल्यू पुट कराने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी डायरेक्ट हमें पता चल रहा है कि ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पे हम क्या करते हैं मिनिमम करते हैं तो हम लिखेंगे द फंक्शन इज़ रेलिटिव मिनिमम एट एक्सिक्यूड दिस वन और अगेन एक्स की ये जो वैल्यू है ओरिजिनल सवाल के अंदर पुट कराएं तो आपको आंसर मिल जाएगा तो ये यहाँ पे आप इस तरह से वैल्यूज़ लिखें उसको फिर हल करें ये मैंने पूरा हल कर दिया वरना अगेन कैलकुलेटर ये सारा कर देगा मैं आपको दिखा ही देता हूँ क्योंकि ये जो है ना क्लैरिटी जरूरी है अब देखें ये क्या है फाइव इंटू थ्री ओवर फाइव ये देखें मैं इसको लिखूंगा फाइव फिर ये ब्रैकेट जो है ये डाल लेंगे अब आगे चुके उसका ओवर है तो ओवर वाला बटन दबा लें और क्या है फाइव ओवर थ्री अब देखें मैंने गलत तो लिख दिया थ्री ओवर फाइव है तो थ्री ओवर फाइव ब्रैकेट को क्लोज कराएंगे आगे करें इसको ब्रैकेट को दबाएं और इसके ऊपर देखें स्केयर है तो अब यहीं पे स्केयर दबाएंगे तो वो स्केयर ले लेगा कोई इशू नहीं है माइनस सिक्स है फिर ब्रैकेट है फिर ओवर में लिखना है थ्री ओवर फाइव इसको लिखें ऐसे ठीक है ये ब्रैकेट क्लोज करवाएं पूरा एक दफ़ा कर लेते हैं प्लस टू अब ये देखें मैंने सारा लिख दिया है आपने जस्ट इक्वल टू दबाना है और आपको वो एक मिनट करके कैलकुलेशन तो वन ओवर फाइव देखें दे देगा ये सारी कैलकुलेशन है वो उसने करके दे दी है तो ये आपकी असल में वही बात है कि आपकी कैलकुलेटर के ऊपर प्रैक्टिस होनी चाहिए जल्दी जल्दी लिखने वाली ठीक है ना जैसे कंप्यूटर के की का होता है भाई जितनी तेज़ी से यूज़ करेंगे उतना आएगा तो ये आप बार बार इस पर लिखेंगे तो आपका हाथ बैठ जाएगा आपको बड़ी बड़ी क्वेश्चन भी जल्दी जल्दी लिख लेंगे उसके ऊपर चौथा पार्ट एफ एफ एक्स इज ईक्ल टू थ्री एक्स केयर बड़ा सिंपल सा छोटा सा सवाल है फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे थ्री टूज आर सिक्स एक्स जीरो के इक्वल रखा सिक्स एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो सिक्स भी खत्म हो गया एक्स की वैल्यू जीरो आ गई तो ये हमारी एक्सट्रीम स्टेशनरी वैल्यू है अब क्या करना है सेकेंड डेरिवेटिव यहीं पर अगर आप सेकेंड डेरिवेटिव लें एक्स वन हो जाएगा सिक्स आएगा आंसर पॉजिटिव आएगा और पॉजिटिव आने का मतलब क्या है मिनिमम पॉजिटिव पे मिनिमम ये सारा लिख के फंक्शन इज रैल्टि मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू जीरो और जीरो अगर आप फंक्शन में पुट कराएँ तो फंक्शन की वैल्यू भी जीरो आ रही है क्योंकि उसमें भी ज़्यादा एक्स की जगह आपने जीरो लगाना है तो देखें बड़ा छोटा सा सवाल पांचवा देखें एफ एफ एक्स उसी तरह से सारा फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो के इक्वल रखा उसको हम हल कर रहे हैं कैलकुलेशन ने कटवाया शटवाया एक्स की वैल्यू टू ओवर थ्री सेकेंड डेरीवेटिव लेंगे वो भी डायरेक्ट सिक्स आ जाना है आंसर सिक्स पॉजिटिव है अब ये हर दफ़ा मिनिमम ही आ रहा है द फंक्शन इज रेलिटिव मिनिमा एट एक्स इज इक्वल टू टू ओवर थ्री फिर अगेन उसकी वैल्यू पुट कराएं कैलकुलेटर में डायरेक्ट आंसर ग्यारह बटा तीन आप फंक्शन की वैल्यू ले सकते हैं सिक्स वाले पार्ट पे आ जाते हैं अब ये देखें यहाँ पे तीन पावर है तो बस इसमें ये है कि थोड़ा सा लेंथ हो जाएगा सवाल क्योंकि जब इसको हल करना है तो है काम ज़्यादा हो जाना है सो so, देखें फर्स्ट डेरिवेटिव उसी तरह थ्री टू जार सिक्स दो पावर हो जाएगी टू टू जर फोर एक पावर रह गई और एक्स का वन हो गया थर्टी सिक्स अब ये फर्स्ट डेरिवेटिव है उसको जीरो के इक्वल तो ये सारा इक्वल टू तो जीरो और यहाँ से देखें अभी टू कामन निकल सकता है तो दो हर एक में से टू निकाल के टू को उधर जीरो के साथ खत्म करा दें तो आपकी जो इक्वेशन है अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गए अब ये चूंकि क्वाड्रेटिक है तो ये डायरेक्ट तो नहीं होनी या तो इसके फैक्टर बना लें या इसकी जो फार्मूला लगा लें वो जो फार्मूला था माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस फोर ए सी ओवर टू ए ठीक है ना ये नाइन टेन में हमने पढ़े मैं फर्स्ट ईयर में भी फार्मूला ये वाला तो ये हमारा ए है ये हमारा बी है ये हमारा सी है वैल्यूज़ लगाई इसको हल करना शुरू कर दिया दो सौ सोलह और चार दो सौ बीस हो गया और दो सौ बीस में से कुछ कामन बाहर निकाला जा सकता है 220 को आप ये लिख सकते हैं 4 इंटू फिफ्टी अगेन देखें ये चीज़ आप कैलकुलेटर में लिखेंगे ना वो डायरेक्ट आपको करके दे देगा सारा ये मैं करके दिखाता हूँ अगेन अगर आपको बोरियत ना लगे तो ये पहली देखें ये ओवर में है तो आप पहले ओवर को बटन को दबा लें फिर टू लिखें प्लस माइनस फ़िलहाल रहने दें क्योंकि एक दफ़ा ही जस्ट अभी प्लस लिख लें ठीक है प्लस लिख के आगे अंडर रूट वाली टर्म है आप अंडर रूट दबा लें देखें अंडर रूट बन गया उसके नीचे दो आना है तो दो लिख लिया ठीक है ओवर में क्या चीज़ है ओवर में सिक्स है आप ये लिख दें अब देखें ये हमने लिख दिया ना सारा उसको अब इक्वल टू दबाएँ तो ये देखें वन प्लस फिफ्टी फाइव अंडर रूट ओवर थ्री और ये देखें मैंने कैलकुलेशन करके तो फिर ये चीज़ निकाल है ये देखें वन ये टू निकला टू को कामन निकाल के थ्री सिक्स पे डिवाइड किया ये देखें वही चीज़ आ गई है तो आप ये डायरेक्ट ले सकते हैं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना सीखें ठीक है ना तो ये आपको दो वैल्यूज़ मिल जाएंगी अब ये दो वैल्यूज़ हैं अब हमें नहीं पता कहाँ पे मैक्सिमम आना है कहाँ पे मिनिमम आना है तो है कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे तो ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव आया हुआ था इसका एक और डेरिवेटिव लेना है सिक्स टू जै ट्वेल्व हो गया और एक्स का वन हो के माइनस फोर अब यहाँ ये वैल्यूज़ पुट करानी है पहले आपने एक्स इज़ टू जो प्लस वाली वैल्यू है वो पुट कराएंगे इसमें तो देखें मैंने उसमें पुट करा ली ये ईजी है आगे से भी मसला कोई नहीं है क्योंकि देखें एक तो कैलकुलेटर करके दे सकता है आपको दूसरा ये डायरेक्ट भी हो जाता है थ्री से कटवाएं थ्री फोर ज़ार फोर ने अंदर मल्टीप्लाई होना है फोर वन ज़ार फोर और इसके साथ भी फोर और ये वाला वैसे ही और ये प्लस का फोर और माइनस का फोर कट के ये वाली वैल्यू रह जाती है और इसके साथ कोई माइनस का साइन तो है नहीं है तो ये प्लस की वैल्यू है तो ये ग्रेटर देन जीरो है तो प्लस पे हम क्या कहते हैं कि फंक्शन इज रिलेटिव मिनिमम एटैक्स इज इक्वल टू तो ये जो जो भी पॉइंट था उसका और इसी तरह से दूसरे पॉइंट के ऊपर भी हम इसको फाइंड कर सकते हैं माइनस वाले को ले लें सेकंड डेरिवेटिव में उसकी वैल्यू पुट कराएं काम हो वही होना ना थ्री से फो ट्वेल्व डिवाइड बाय फोर आया फोर वनज आर फोर एंड फोर इन ये और ये सारी और यहाँ से भी फोर फोर कटेगा ये रह जाएगी लेकिन अब इसके साथ माइनस का साइन है वहाँ प्लस आया था तो जब माइनस आ जाए तो वो लेस देन जीरो है तो यहाँ पे हम कहेंगे फंक्शन इज रिलेटिवली मैक्सिमम एट एक्स एकवल टू दिस वन और यहाँ पे अगर आपको वैसे करने की जरूरत नहीं है सवाल पहले ही बड़ा बहुत बड़ा है लेकिन वही बात है कि इन पॉइंटों के ऊपर अगर फंक्शन की वैल्यू लेनी है तो ये पॉइंट उठा के तो फंक्शन के अंदर इस सवाल के अंदर लगाना पड़ेगा इधर लिखें इधर लिखें अब अगेन ये खुद कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत लेंथी हो जाता है अगर कहीं ज़रूरी वो पूछ लेता है तो आपने फिर दो मिनट लगा के कैलकुलेटर में ये सारा लिख लेना है ठीक है ना अभी मैंने आपको लिखने का तरीका बताया क्यूब कैसे लेना है सारा वो लिखेंगे ऑटोमेटिक तो आएगा थोड़ी प्रैक्टिस कर लें तो फिर वो डायरेक्ट आंसर आप ले लें उसका जो भी बनता है लेकिन वैसे ही ऑलरेडी आपके सामने है सवाल कितना बड़ा है तो इसलिए वो करने की ज़रूरत नहीं है स्पेशली अगर वो पूछता है कि हाँ भाई फंक्शन बताओ क्या वैल्यू है तो फिर फाइंड कर दें उसे वरना छोड़ दें रहने दें अभी टाइम ज़ाया करना है सेवन वाला पार्ट एफ एफ एक्स इज ईक्ल टू दिस वन उसी तरह से फर्स्ट डेरिवेटिव लिया ज़ीरो के इक्वल रखा वो वैल्यू सारी जीरो के इक्वल आ गई यहाँ से देखें फोर एक्स कॉमन आर है फोर एक्स निकाल दें तो यहाँ एक्स का स्केयर फोर टू जार एट फोर एक्स को लैदा जीरो के इक्वल तो ज़ाहिर है वहाँ से एक्स इज ईक्ल टू जीरो क्योंकि फोर भी जीरो हो जाएगा ना और ये दोनों जो हैं इनको भी लैदा से जीरो के इक्वल रखेंगे तो ये माइनस टू उधर जाके कर प्लस टू हो जाएगा ना तो एक्स स्केर इज इक्ल टू प्लस टू और स्केयर खत्म करने के लिए आपको अंडर रूट लगाना है और अंडर रूट जब भी लगाते हैं अब तो प्लस माइनस रूट लगाते हैं तो फिर तीन पॉइंट आ गए जीरो प्लस का टू अंडर रूट माइनस का टू अंडर रूट अब इन तीनों पॉइंटों पे हमें सेकंड डेरिवेटिव को चेक करना है इसका सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा थ्री फोर ज ट्वेल्व एक्स का स्केयर माइनस एट तो वो हम लिखेंगे आगे ये देखें मैंने करके भी दिखाया फर्स्ट डेरिवेटिव लिखा है सेकंड डेरिवेटिव ये आ गया पहले हम एक्स इज इक्वल टू जीरो पर चेक करेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव में जहां एक्स है वहां आप ज़ीरो लगाएं तो ये पार्ट तो खत्म हो गया हाल ही माइनस एट रह जाना तो वो ज़ाहिर है नेगेटिव है तो फंक्शन इज़ रेलटिवली मैक्सिमम एट एक्स इक्ल टू तो जीरो और एफ एफ जीरो आप डायरेक्ट ले सकते हैं फंक्शन में पुट कराएं जीरो आ जाएगा फिर एक्स इक्ल तो टू टू अंडरवुड पर चेक करना है वो लगाएं ऊपर चूँकि स्केयर है तो स्केयर अंडर रूट काट के टू आएगा टू ट्वेल्व ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर में से एट माइनस सिक्सटीन जल्दी जल्दी उदारो तो पॉजिटिव आ गया पॉजिटिव पे मिनिमम ठीक होगा ना ऐसे लिखना है और फंक्शन की वैल्यू आप ले सकते हैं फंक्शन में टू अंडर रूट पुट कराएं तो यह फंक्शन की वैल्यू माइनस फोर आ रही है और तीसरे पॉइंट पर चेक करें माइनस टू अंडर रूट पे वो भी उसी तरह माइनस टू लगाएं अब चूंकि स्केयर है तो माइनस ने फिर खत्म हो जाना है माइनस का फायदा कोई नहीं होना दोबारा वही चीज बननी है जो हमने प्लस वाले में की थी तो इसका भी आंसर प्लस में सोलह ही आया और ये भी ग्रेटर देन जीरो है तो यहाँ पे भी वो मिनिमम ही होगा पिछले पे भी वो मिनिमम ही था ठीक है तो इसमें भी आप जब वैल्यू पुट कराएंगे तो इसका आंसर भी वही आएगा क्योंकि ऊपर फोर टू पावर्स है माइनस को ख़त्म करा देती हैं सही है ना तो ये भी आंसर बन जाता है एट वाला पार्ट एफ एफ एक्स इज एक टू एक्स माइनस टू का स्केयर है और फिर एक्स माइनस वन है अब डायरेक्ट डेरिवेटिव लेना मुश्किल होगा क्योंकि होल स्केयर है इसका क्या करें तो होल स्केयर को खोल लें एक्सपैंड कर लें बेहतर है तो ज़ाहिर अंदर वो दो चीज़ें हैं ना तो ए स्केयर बी स्केयर टू ए बी वो वाला फार्मूला लगा लेंगे तो ये ए है ये बी है तो ए का स्केयर बी का स्केयर माइनस टू ए एंड बी जैसे करते हैं पुराना बेसिक सा फार्मूला हमारा और एक्स माइनस वन साथ ही ये एक्स स्केयर हो जाएगा टू का स्केयर फोर है टू टू जर फोर एक्स हो गया साथ ही ये अब ज़ाहिर इनकी ज़रा मल्टीप्लीकेशने हमें करवानी पड़ेंगी तो x के साथ इन तीनों के साथ ज़ाहिर ये आ जाएगा माइनस वन के साथ करेंगे तो वो ये चीज़ें आ जाएंगी जैसे मल्टीप्लीकेशन होती है और अब इनको आप सीधा कर लें एक्स क्यूब एक ही है एक्स केयर की दो हैं माइनस चार और माइनस एक माइनस पाँच हो जाएगा जमा का चार एक्स और ये जमा का चार एक्स एट एक्स हो गया और साथ ये माइनस फोर तो अब ये देखें तरतीब लग गई है तो ये अब आलमोस्ट वही सवाल है जो पिछला किया था क्योंकि उसमें भी क्यूब वाला सवाल था तो अब उसी तरह से फर्स्ट डेरिवेटिव लें ज़ाहिर है थ्री पीछे आएगा टू फाइव ज़्यादा टेन इसका एट ये बन जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो तो जाहिर है कि वो सारी वैल्यू इक्वल टू जीरो क्वार्राटिक फार्मूला लगा लें या यहाँ पर फैक्टर भी इजीली बन सकते हैं लेकिन बार फार्मूला लग गया तो ठीक है सो माइनस बी इंटू बी का स्क्वायर माइनस फोर ए एंड सी ये ए और ये सी है ओवर में टू ए ठीक है ना ये वैल्यूज इसको हल कर लें टेन का स्केयर हंड्रेड माइनस खत्म हो जाएगा स्केयर की वजह से और इन तीनों को करें नाइन्टी सिक्स माइनस कराएंगे तो फोर आएगा फोर का अंडर रूट लेंगे तो टू आ जाएगा ठीक है और दस और अब एक दफ़ा जमा करना है एक दफ़ा माइनस करना है दस और दो बारह बारह में से बारह को छः पर डिवाइड करेंगे दो आ जाएगा और दस में से दो अगर आप माइनस कराते हैं तो एट एट ओवर सिक्स और एट ओवर सिक्स को डिवाइड कराएं तो फोर ओवर थ्री तो ये दो वैल्यूज़ हमें मिल जाती हैं और उसी तरह से अब ये एक्सट्रीम वैल्यूज है जाहिर है कि इनमें किसी एक के ऊपर जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा किसी पे मिनिमम हो जाएगा वो हम देख लेते हैं सेकेंड डेरिवेटिव लगा के सेकेंड डेरिवेटिव लिया वो ये वैल्यू आ गई एक्स इज एकल टू टू पर चेक कर रहे हैं टू लगाएंगे सिक्स टू जै ट्वेल्व ट्वेल्व में से दस निकालें तो कितना आ जाएगा प्लस का टू तो पॉजिटिव आ गया ग्रेटर देन जीरो तो फंक्शन इज रिलेटिवली मिनिमम एट एक्स जल्दी जल्दी इसे बता रहा हूँ कि यह हर चीज़ वही कुछ ही है ठीक है तो ये अब आपकी प्रैक्टिस है खुद और फंक्शन की वैल्यू लेनी है तो फंक्शन में टू टू लगा दें क्योंकि टू पे चेक कर रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू अल्टीमेट जीरो आ रही है तो कोई बात नहीं ज़ीरो फंक्शन के ऊपर भी वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम हो सकती है कोई इशू नहीं है उसका और इस तरह जो दूसरा पार्ट है फोर ओवर थ्री उसको भी चेक कर लें सेकेंड डेरिवेटिव में लगाएं थ्री टू ज़ार सिक्स टू फोर ज़ार एट तो ये देखें माइनस में आ गया तो फिर जाहिर है कि माइनस पे मैक्सिमम होता है फंक्शन तो वो लिख देंगे और मैक्सीम जो उसकी वैल्यू है वो भी हम फाइंड कर सकते हैं सही है ना तो इस तरह से ये वाला पार्ट भी हो गया तो एट पार्ट हो गए हैं इसका एक पार्ट और है पार्ट्स ज़्यादा है ठीक है तो ये भी अगेन क्यूब वाला ही है आपके सामने ही है डेरिवेटिव लिया जीरो अब मैं जल्दी जल्दी दिखाऊंगा आपको जस्ट स्टेप्स देखते जाएँ वन आया वन का अंडर रूट लेंगे तो प्लस माइनस वन आएगा सेकेंड डेरिवेटिव अब इसमें ज़्यादा दो वैल्यूज़ हैं एक दफा प्लस वन एक दफा माइनस वन प्लस वन लगाएंगे तो माइनस टू उसका अपना है तो वो नेगेटिव आ गया रिलेटिव मैक्सिमम और जब आपने माइनस वन लगाना है तो फिर वो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो पॉजिटिव आएगा पॉजिटिव आएगा तो हम कहेंगे वो मिनिमम है और साथ उनकी फंक्शन की वैल्यूज़ भी फाइंड कर लें तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर टू यहाँ पे डन हो जाता है अब आ जाए क्वेश्चन नंबर थ्री पे वही चीज़ है सब कुछ लेकिन ज़ाहिर है थोड़ा एक डिफरेंट करके उसने दे दिया है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम जाहिर है जो भी है उसका मैक्सिमम मिनिमम आगे भी वही फाइंड कर रहे हैं ऑफ़ द फंक्शन जो फंक्शन ये नीचे दिया हुआ है इन द इंटरवल जीरो से टू पाई जीरो और टू पाई के इन बिटवीन रहना है कोई मुश्किल नहीं है इजी काम है फंक्शन है दिया हुआ फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे साइन का डेरिवेटिव कॉज कॉज का माइनस साइन फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो रखना है जैसे हम करेंगे उसको कॉज ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो ये नेगेटिव है इसको उधर ले जाए कॉज ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स अब एक काम तो ये है कि साइन को उठा के इसके ऊपर में ले आए तो वो काज ओवर साइन हो जाएगा तो वो काट बन जाता है लेकिन अगर टैन बनाएंगे ना तो ज़्यादा आसानी होगी तो काज को उठा के साइन के नहीं चले जाए और जब काज को उठा के उधर डिवाइड में लेके जाते हैं तो उसका मतलब यहां किसी चीज़ से मल्टीप्लाई हो रहा था तो किससे हो रहा था वन से वो हम खुद ही इमेजिन कर लेते हैं कि इधर वन भी है पड़ा हुआ वा। क्योंकि वन से कोई चीज़ रब खाए वही रहती है ना तो काज उठ के चला गया तो पीछे वन रह गया साइन ओवर काज इक्वल टू वन वो हम ऐसे करके लिखेंगे ठीक है अब साइन ओवर कॉस्ट टेन होता है तो टेन ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू वन और ये अगर आपने कोई टेबल किसी टाइम याद किया हो ना तो टेन की फोर्टी फाइव जो डिग्री थी ना वहाँ पे उसकी वैल्यू वन आती होती थी लेकिन अगेन आप टेन इनवर्स करके ना टेन इनवर्स वन करें कैलकुलेटर में तो आपको वो फोर्टी फाइव डिग्री दे, दे देगा वैल्यू ठीक है तो वो ज़ाहिर है फोर्टी फाइव को हम पाई की शक्ल में कैसे लिखते हैं पाई बाई फोर पाई होता है ना एक सौ अस्सी एक सौ अस्सी को चार पर डिवाइड करें तो फोर्टी फाइव आ जाता है लेकिन थोड़ा सा यहां यह याद रखना है कि देखें उसने कहा था जीरो से लेके टू पाई तक रहना है तो जीरो से टू पाई होता है पूरा सर्कल ऐसे घूम के फिर वहीं पे पहुंचे क्योंकि पाई होता है एक सौ अस्सी डिग्री फिर घूम के टू पाई यहां पे वो बन जाता है तो थ्री सिक्सटी डिग्री पूरा घूमना होता है तो उस पूरे चक्कर में आपको याद होगा किसी टाइम हमने ये पढ़े हुए फर्स्ट ईयर में एस्टिक वो हमने पढ़ा ना एक्स एक्सिस बनाएं वाई एक्सिस बनाएँ तो इसमें आल पॉजिटिव होते हैं साइन कॉज टेन इसमें साइन पॉजिटिव होता है इसमें टेन होता है इसमें कॉज होता है ये हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है इवन टेंथ में भी पढ़ा हुआ है ठीक है तो अब देखें टेन कहाँ कहाँ हो सकता है इधर भी टेन पॉजिटिव यहाँ पर भी टेन पॉजिटिव पहले में और तीसरे में तो पहले का तो हमने ये ले लिया पाई बाई फोर फोर्टी डिग्री लेकिन यहाँ का 45 डिग्री कैसे लेंगे इधर आएगा ना यहाँ पे कहीं पे एंगल तो ये इधर पहुंच के यहां से घूम के इधर पहुंच के फिर आगे गया ना तो यहां से लेके यहां तक ये यह पाई है और पाई में आगे से पाई बाई फोर एड करना है तो वो देखे मैंने लिखा पाई प्लस पाई बाई फोर और जब आप जमा कराते हैं ना तो उसकी वैल्यू आती है फाइव पाई बाई फोर तो ये थोड़ा सा यहाँ याद रखना है तो ये दो वैल्यूज़ हमें इस तरह से मिलेंगी अब आगे काम फिर वही है कि इन दोनों वैल्यूज़ को हमने सेकेंड डेरिवेटिव पे चेक करना है तो हमने लिख लिया ये देखें फर्स्ट डेरिवेटिव उसका एक और डेरिवेटिव लिया कॉज का फिर माइनस साइन होना है ना तो साइन का तो प्लस का कॉज होता है लेकिन पा माइनस है उसका अपना भी है अब पहले पाई बाई फोर पर चेक करें लगाएं पाई बाई फोर कैलकुलेटर में देखें साइन पाई बाई फोर वन ओवर टू अंडर रूट वो भी वन ओवर टू अंडर रूट दे देगा आपको लेकिन आपको नज़र आ रहा है कि दोनों नेगेटिव वैल्यूज़ हैं तो माइनस की वैल्यू ही आएगा ना आंसर तो माइनस आंसर मतलब लेस देन जीरो और लेस देन जीरो के ऊपर क्या होता है रिलेटिव मैक्सिमम होता है वो हम लिख देंगे और अब अगर फंक्शन की वैल्यू भी लेनी है तो आप लगाएं फंक्शन में तो वन ओवर टू अंडर रूट वन ओवर टू अंडर रूट को हल करें वन ओवर वन टू हो जाएगा टू ओवर टू अंडर रूट और इसको कैलकुलेटर पर करें तो टू अंडर रूट क्योंकि ये मैंने पहले कभी टोटका बताया था कि टू जो होता है ना पूरा ये पूरा है कंप्लीट है और ये जो अंडर वोड है ये आधी चीज़ होती है तो ये आधी चीज़ आधी को कटवाएगी तो आधी रह जाएगी ठीक है ऐसे टोटका कर ले वरना कैलकुलेटर पर तो हो ही जाता है और दूसरा जो है फाइव पाई बाई फोर उस पर भी सेकेंड डेरिवेटिव को चेक करें अब ये ज़रा आप ज़ाहिर कैलकुलेटर में ये कैसे लिखेंगे फाइव पाई बाई फोर वो आप लिखेंगे दो सौ पच्चीस मैंने इसको कैलकुलेट करके ये देखें साइड पर रखा है आसानी हो जाती है पाई होता है ना एक सौ अस्सी एक सौ अस्सी को पाँच से ज़रा दें और जो आता है आंसर उसको फोर पर डिवाइड करें दो सौ पच्चीस अब दो सौ पच्चीस की वैल्यू आप साइन की कॉज की कैलकुलेटर में दें वो दे देगा आपको वन ओवर असल में कैलकुलेटर में वो इस तरह से आंसर देता है टू का अंडर रूट ओवर टू लेकिन हमने ये याद की है मैं अगर आपने कोई टेबल याद की हो वन ओवर टू अंडर याद किया था तो ये सेम है जो ये आता है वही होता है तो आपने ये लिख लेना ठीक है ये ज़्यादा सिम्प्लीफाइड होता है तो ये ज़्यादा बेहतर है इसको आप लिखें और जाहिर है कि जब इसको आप दो माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे ये दोनों माइनसेज भी प्लस तो ये इस अब इसका आंसर प्लस में आएगा तो प्लस में आने का मतलब ये है ग्रेटर देन ज़ीरो तो फिर हम कहेंगे फंक्शन इज रिलेटिवली मिनिमम ठीक है ना पॉजिटिव पे मिनिमम एट एक्स इज एक दिस वन और फिर यहाँ पे भी इसकी वैल्यूज आप ले सकते हैं फंक्शन में कूट करा के और वो फंक्शन की वैल्यू माइनस टू अंडर रूट आ जाएगी तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री हो गया क्वेश्चन नंबर फोर देखें शो दैट वाई इज इक्वल टू एल एन एफ एक्स ओवर एक्स हैज़ मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इज ईक्ल टू ई सारी चीज़ें उसने दे दी है कहता जी ये वैल्यू है जिसपे उसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी लेकिन हमने सारे उसको ये करके दिखाना है कि कैसे होगी ठीक है ये फंक्शन है वही सारे प्रोसेस हम इस पर लगाएंगे ये वैल्यू है आपको नज़र आ रहा है ओवर है ओवर तो में हमें क्वेश्चन रूल लगाना होता है जब डेरिवेटिव लें तो डी वाई ओवर डी एक्स देखें एक्स ऊपर ऊपर वाले का डेरिवेटिव फिर ऊपर वाला एज इट इज़ नीचे वाले का डेरिवेटिव बार बार मैं पहले समझाता रहा हूँ पिछली एक्सरसाइज में और नीचे वाले का स्केयर लेते हैं एक्स वैसे ही एलेन एफ एक्स का वन ओवर एक्स यहाँ एक्स का डेरिवेटिव ये भी वन हो जाएगा एलेन साथ है नीचे एक्स स्केयर और ये दोनों भी कट के तो वन रह जाएगा ना तो वन माइनस एल एन एफ एक्स ओवर एक्स स्केयर ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव बनता है अब हमने इसको रखना है जीरो के इक्वल ताकि हमें एक्स की वैल्यूज़ मिल सकें तो ये हमने इसको फर्स्ट डेरिवेटिव ज़ीरो उसकी वैल्यू को जीरो रखा अब ये ओवर है ना ओवर समझें कि उधर जाके ख़त्म करा दिया ठीक है वैसे होता नहीं है लेकिन हम यहाँ ये ज़बरदस्ती खत्म करा देते हैं तो ये उधर जाके ज़ीरो के साथ खत्म हो जाएगा ये रह गया वन माइनस एल एन एफ एक्स इक्वल टू जीरो अब यहाँ पे जाहिर है एल एन माइनस में है ना तो उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा तो एल एन एफ एक्स इज इक्वल टू प्लस का वन ठीक है और ये जो वन है देखें इधर एल है तो इधर भी एल की शक्ल हुई बनाए और ये एल एन एफ ई अगर लिखा जाए ये स्पेशल केस होता है कि एल एन एफ ई जो है एक दूसरे के उल्ट होते हैं कैंसल आउट करके वन ले आते हैं अपना आंसर तो ये याद रखने वाली चीज़ है कि एल एन एफ ई वन होता है तो वन की जगह पे आप ये लिख दें और उसका लिखने का फायदा अब ये होगा कि दोनों से एल एन यानी कि ये जो लॉग है नेचुरल लॉग्स ये कट जाएंगे तो बाकी क्या रह जाएगा एक्स इज इक्वल टू ई आप देखें हम वहां पहुंच के आधे तक कि भाई उसका एक्सट्रीम वैल्यू जो है वो इसके ऊपर आती है ठीक है अब वही बात की हमें सेकेंड डेरिवेटिव चाहिए ताकि हम बता सकें कि ये मैक्सिमम है या मिनिमम है तो फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू लिख रहे हैं आप देखें ये भी ओवर भी है ना तो ये भी तो क्वेश्चन रूल ही लगना है तो दोबारा अगला डेरिवेटिव के लिए डी स्केयर वाए व डी एक्स के लिए हमने फिर क्वेश्चन रूल नीचे वाली टर्म ऊपर आई ऊपर वाली का डेरिवेटिव वन का कांस्टेंट और जीरो है हो जाएगा कांस्टेंट का एल का हो जाएगा वन ओवर एक्स देखिए मैंने लिखा वन ओवर एक्स माइनस भी साथ है माइनस अब ऊपर वाली है एज इट इज और नीचे वाली का डेरिवेटिव एक्स स्केयर है तो टू एक्स होता है डेरिवेटिव और नीचे वाली कब स्केयर पहली स्केयर है एक और स्केयर होगा तो फोर पावर हो जाएगी तो फोर पावर लिख ली अब इसको थोड़ा सा हल कर रहे हैं एक एक्स कट जाएगा एक रह गया उसका साथ ये माइनस भी है और ये जो टू एक्स है उसके साथ ही इधर करके लिख लें और अब नेक्स्ट स्टेप में टू एक्स है मल्टीप्लाई करा दें इसको इसकी ब्रैकेट खोल लें तो माइनस टू एक्स वनज और टू एक्स दो माइनस मिलकर प्लस हो गए टू एक्स एल एन एफ एक्स मल्टीप्लीकेशन जैसे करनी है और ये दोनों सेम है तो ये माइनस दो और माइनस एक माइनस तीन हो जाएंगे तो यहाँ तक हम पहुँच जाएंगे इसको अब लेके चलेंगे आगे ठीक है और यहाँ हमने क्या पुट कराना है एक्स की जगह ई ताकि हमें पता चले कि सेकेंड डेरिवेटिव का साइन क्या बनता है तो हर एक्स की जगह पे हम ई ई ई लिखते जाएंगे सही है देखा मजा काम ठीक है ये जो सेकंड डेरिवेटिव लिया है जो आंसर आया हर एक्स की जगह e ई लिख देना अब यहाँ देखे वही बात एल एन एफ ई वन हो जाता है ना तो ये तो वन हो जाएगा टू ई रह जाएगा ये और थ्री ई में से टू ई लेंगे माइनस कराएंगे क्योंकि ये नेगेटिव है तो रह जाएगा माइनस का ए की ए की ई रह जाएगा नीचे ई की पावर फोर है तो एक कट के नीचे ई की पावर थ्री रह जाएगी तो अल्टीमेट देखें यहां पहुंच गए लेकिन साथ माइनस आर है तो माइनस आने का मतलब कि वो लेस देन है और लेस देन जीरो पे यही होता है मैक्सिमम तो ये हमने प्रूव कर दिया कि हमारा फंक्शन जो है वो मैक्सिमम है एट एक्स इज इक्वल टू ई लो जी लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव शो दैट वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर एक्स हैज अ मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू वन ओवर ई तकरीबन उससे मिलता जुलता ही है लेकिन यहां देखें x की पावर x नीचे भी वेरिएबल है बेस में और ऊपर पावर में भी वेरिएबल है तो इसका कोई भी डायरेक्ट हमारे पास मेथड नहीं होता तो इसका तरीका होता है कि ये पावर किसी तरह ख़त्म कराई जाए और पावर नीचे तभी आएगी जब एल एन होगा पा पास उसके क्योंकि तो एल एन की प्रॉपर्टी है एल एन में पावर हो पावर पीछे ले आते हैं तो हमने क्या करना है इधर भी लॉग ले लेना है इधर भी लॉग ले लेना है एल एन एल एन ठीक हो गया अब एल एन के आने से ये होगा कि ये ऊपर वाला एक्स जो है वो पीछे आ जाएगा प्रॉपर्टी की वजह से तो एल एन एफ वाई इज इक्वल टू एक्स एल एन एफ एक्स ठीक हो गया अब डेरिवेटिव ले लें यहाँ चूके अगेन डेरिवेटिव लेने लगे हैं तो एल एन एफ वाई है तो, तो लॉग की प्रॉपर्टी होती है ना उसको ओवर में ले जाए ठीक है तो ओवर में लेके गए हैं लेकिन साथ डी वाई ओवर डी एक्स पे लिखना है अगेन ये पिछली एक्सरसाइज में बताया था कि दूसरा वेरिएबल हो तो साथ ये लिखते हैं क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू तो एक्स डेरिवेटिव ले रहे हैं ना और वो खुद वाई है डी वाई ओवर डी एक्स आएगा और इधर आए तो यहाँ दो चीज़ें हैं प्रोडक्ट रूल लगेगा एक दफ़ा एक्स ऐसे ही एल एन का डेरिवेटिव फिर एल एन ऐसे ही और एक्स का डेरिवेटिव अब ये क्या हो जाएगा ये एक्स साथ वन ओवर एक्स और ये एल एन एफ एक्स और ये वन हो जाएगा और ये वाई भी उधर ले जाए दूसरी तरफ ठीक है तो ये सारे स्टेप्स देखें आगे हमने हम कर दिए हैं वाई उधर आ गया है यहाँ से एक्स एक्स भी कट जाना है वाई की वैल्यू आप लगा सकते हैं यहाँ वन आ गया यहाँ एल एन आ गया ये फर्स्ट डेरीवेटिव है और वही बात स्टेशनरी वैल्यूज़ या एक्सट्रीम वैल्यूज़ लेने के लिए पहला डेरिवेटिव जीरो होता है उसको जीरो रखा अब ये तो चूँकि खुद सवाल है ना एक्स की पावर एक्स तो ये तो ज़ीरो हो नहीं सकता उसको लैदा कर दें भाई तुम तो निकलो बाहर वन प्लस एल एन एफ़ एक्स को फिर ज़ीरो वन उधर गया माइनस का हो गया अब फिर चूंकि वन है तो उसको एल एन एफ ही लिख सकते हैं जैसे पिछले सवाल में किया लेकिन ये माइनस जो है ना उसको उधर उसकी पावर चढ़ा दें क्योंकि पावर पीछे जैसे आ सकती है तो पीछे वाली चीज़ पावर भी तो बन सकती है ना तो माइनस वन ऊपर ले जाए यहाँ समझो माइनस वन है यही माइनस वन तो ऊपर चला गया अब एल एन एन एल कट गए एक्स इज इक्वल टू ई की पावर माइनस वन मतलब के वन ओवर ही क्योंकि माइनस पावर खत्म करनी हो तो नीचे ले जाते हैं तो ये वही पॉइंट आ गया जो हमें चाहिए था अब सेकेंड डेरिवेटिव पे जाना पड़ेगा ओके okay. सो so, मैंने उसको वाई वन कह लिया पहले डेरिवेटिव को सेकेंड डेरिवेटिव को वाई टू जैसे हम पिछले करते आ रहे हैं टू पॉइंट सेवन एट में किया था तो अब यहाँ पे देखिए फिर प्रोडक्ट है क्योंकि तो एक चीज़ बाहर एक चीज़ ये वाली तो बाहर वाली एज इट इज अंदर वाली का देखें डेरिवेटिव फिर अंदर वाली वैसे ही और बाहर वाली के साथ डेरिवेटिव का साइन सही हो गया अब इनका डेरिवेटिव लेते हैं इसका डेरिवेटिव वन ओवर एक्स होना है क्योंकि एलन ऑफ एक्स है ये ऐसे ही और इसका डेरिवेटिव क्या है ये तो वही ओरिजिनल सवाल है तो इसका जो डेरिवेटिव है वो यही था ना पहला डेरिवेटिव यही आता है तो इसकी जगह पे x की पावर x के डेरिवेटिव की जगह पे ये सारी वैल्यू हम पुट कराएंगे देखें ये लिखा साथ ये वाली चीज़ वन प्लस सेवन अब देखें दोनों तरफ दोनों टर्म्स में x की पावर x मौजूद है ये अब कामन निकाल दें बाहर तो यहाँ रह जाएगा सिर्फ वन ओवर एक्स और यहाँ ये दोनों मिलके इसका होल स्केयर हो जाएगा दोनों एक जैसे हैं सो ये देखें वो बाहर निकाल दिया इसका होल स्केयर हो गया लो जी ये सेकेंड डेरिवेटिव भी आ गया अब वही काम है कि हमने वो वैल्यू जो है इसकी जगह हर एक्स की जगह पे वन ओवर ही लिखी जाना है तो वाई टू में देखें एक्स की पावर एक्स है वन ओवर ई की पावर वन ओवर ई वन ओवर एक्स एक्स की जगह पर देखें ये आ गया इधर भी ये आ गया ऊपर स्केयर है जैसे जैसे है वैसे वैसे लिख लें अब ये ऐसे ही आता जाएगा इसका कुछ कर नहीं सकते ये ओवर के नीचे ओवर है ये ई e ऊपर चला जाएगा और यहाँ से भी जब ई e ऊपर जाएगा तो ई e की पावर माइनस वन हो जाएगी और आपको पता है पावर पीछे लेके जा सकते हैं और एल नफ ई ने वन हो जाना है तो माइनस पीछे आ गया और वन माइनस वन करेंगे ज़ीरो यानी ये पार्ट खत्म हो जाएगा सिर्फ ये रह गया और ये सारा देखें पॉजिटिव है कोई माइनस साइन नज़र नहीं आ रहा तो फिर दैट मीन्स कि इट इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो और ग्रेटर दैन जीरो में यही होता है कि वो फंक्शन क्या है मिनिमम है तो वाई इज इकल टू एक्स रेज एक्स जो हैज़ अ मिनिमम वैल्यू एट एक्स इज ईक्ल टू वन ओवरी तो ये जो हमें प्रूव करना था वो हो गया ठीक है जी बच्चों फिर लाइक like का बटन दबाइएगा सब्सक्राइब करिएगा हालांकि मुझे पहले कहना चाहिए ठीक है और दोस्तों से शेयर भी किया करें ओके जी बच्चों फिर अगली वीडियो के साथ फिर आते हैं टू पॉइंट टेन के साथ ओके अल्लाह हाफिज़